ये मीटिंग आज बिल्कुल एक एजेंडा दे के बुलाई गई थी। मेरे खिलाफ जो एक प्रस्ताव तथा कथित किया गया था, भाई ये पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसलिए बल्कि पार्टी का नाम भी लेने के बजाय सीधा सीधा ये कहा गया कि ये विधायक के काम कर रहे हैं, विधायक पार्टी है। तो मैंने अपने साथियों को फ़ोन आए, ये मीटिंग बल्कि मेरी बुलाई हुई नहीं थी, ये मीटिंग साथियों ने मुझसे आग्रह किया कि आप ये मीटिंग बुलाइए, और मिलजुल के हमने ये मीटिंग बुलाई। सभी वरिष्ठ साथी इसमें आए, जो कार्यकर्ता जो बूथ संभालते हैं, जो एक हमारे अच्छे पदाधिकारी काफ़ी समय से साथ चले हैं, वह सभी साथी आए जिनको दर्द था। इसमें मैंने कहीं भी पार्टी का रूल नहीं तोड़ा, मैंने पार्टी के खिलाफ काम नहीं किया। हमारी पार्टी आई ही इसी बात पे थी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। उस समय कांग्रेस के भ्रष्टाचार का बोलबाला था, बहुत से आपने देखा होगा हर जगह ये भ्रष्टाचार के घोटाले हो रहे थे। तो उसमें जो हमने एक नारा दिया था, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, लोगों ने विश्वास किया, और आके सरकार ने बहुत बढ़िया काम भी किया, भ्रष्टाचार मुक्त शासन भी दिया, भ्रष्टाचार मुक्त बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियाँ भी दी, एक जिसके कारण हम दोबारा इस सत्ता में आए। और मोदी जी ने तो बेहतरीन लाजवाब काम किया, चाहे 370 का मामला हो, चाहे हमारा राम मंदिर का मामला हो, अयोध्या में 92 में कार सेवक मैं भी गया हुआ था, तो हमारे लिए गौरव के क्षण है। मैं समझता हूँ हमारी सरकार ने बेहतरीन काम किया है, चाहे फौज के लिए मामले में किया हो, जैसे अब रफाल आया, इन सब के लिए पार्टी के जो नेता है बार बार आरोप लगा रहे हैं, आप पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे, आप एक द्वेष भावना से काम जो ये उन्होंने जैसे लिखा, अभी उन्होंने 2014 में क्या किया, 2019 में क्या किया, उन लोगों को जानकारी नहीं है। हाँसी से कभी अगर किसी को जिम्मेवारी मिली है तो मैं मेरे लिए गौरव मानता हूँ, पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया। 14 में मैं रोहतक ड्यूटी पे था, रोहतक कार्यालय में मैं पूरे हरियाणा का मेरे कार्यक्रम का इंचार्ज बनाया हुआ था लोकसभा चुनाव में। और जब उसके बाद कुछ सीटों का बाद में हुआ, जैसे उत्तराखंड में तो बद्रीनाथ विधानसभा है, चमोली, इसमें 3 विधानसभाएं आती हैं, मैं वहाँ का जिला प्रभारी था चुनाव में। तो उसके बाद भी जैसे ही मतलब बाद में चुनाव विधानसभा के होते हैं, विधानसभा चुनाव के बाद में इसमें इसका तराजा सीट पे भावनगर जिले में गुजरात का भी प्रभारी रहा, तो मैं विधानसभा में मैंने पूरा लगातार काम किया, ऐसा नहीं मैंने काम नहीं किया, हर जो भी काम मुझे मिला मैंने किया है। मैं जिला सदस्यता प्रमुख भी रहा हूँ, जिला युवा मोर्चा प्रधान भी रहा हूँ, प्रदेश में भी 2 बार कार्यकारिणी में लगातार रहा हूँ। ठहराल साहब, विधायक जी कहते हैं कि मेरे विधायक बनने के बाद शहर में चारों तरफ विकास की लहर है, इस बात को कहाँ तक आप सच मानते हैं? आपको लगता है क्या, अगर आपको ऐसा लगता है, जितनी सड़कें जो टूटी फूटी इनके राज में थी या पिछली सरकार में मैंने खड्डे मैंने भरवाए, आपको सारा मालूम है कितनी ग्रांटें आई, एक काम तो जरूर हुआ मेरे भाई, जैसे काली देवी 2,03,00,000 की ग्रांट सीएम साहब से मैं खुद करवा के लाया था, अखबार में भी वो आया हुआ सारा मामला, अब वो 5 करोड़ की सड़क कर दी, क्या हो गया भाई, क्या कौन सी महंगाई आ गई, क्रांति चौक वाली 1,44 कुछ की थी, अब 4 करोड़ कुछ की होगी। रिवाइज एस्टिमेट मैंने किसी ठेकेदार से पूछा तो उसने मेरे को साफ साफ बोला, भाई आपके समय में बहुत बढ़िया था, अब तो इसका मतलब कमीशन और भ्रष्टाचार बिल्कुल चल रहा है। इसलिए शासन का हर अंग अपंग मैंने पहले बोला भी है, भले इसने बिल्कुल बुरा हाल कर दिया है। जब आप ये देखिए ना, जिसमें लिखा हुआ है जमाबंदी में इंतकाल में, भाई बिना खेती की जमीन पहले करवाता है, उसके बाद उसका एग्रीकल्चर का रेट रजिस्ट्री हो जाती है, तहसीलदार कैसे कर देते हैं, मेरी समझ से बाहर की बात है, उसके बाद नगर परिषद के अवैध निर्माण कैसे होने देती है, आप ये देखो ना, अब भी इसका जैसे ये था एग्रीकल्चर लैंड में, इसका नक्शा पास के लिए NOC तक मिल गई इसको, जब मुझे पता चला मैंने NOC कैंसिल करवाई, नक्शा कैंसिल करवाया, काम रुकवाया, FIR के लिए इसको लिख दिया गया। अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई फिलहाल अभी तक? काम मेरे भाई देखो बात सुनो, विधायक की पावर बहुत बड़ी होती है, विधायक की पावर बहुत बड़ी होती है, मैं मानता हूँ, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन उसमें मतलब मुझे सफलता भी मिल रही है, कुछ अधिकारी सहयोग भी दे रहे हैं, कुछ अधिकारी इसके कहने से मामले को लटका रहे हैं। जैसे ये 13-14 तारीख को DTP का तोड़ने का प्लान था, हंसी का तोड़ने के लिए पहले उसने 9 तारीख को परमिशन ले ली थी, DC साहब से भी ले ली थी, पर यहाँ SP ने कानून का हवाला देकर उसको तोड़ने के लिए नहीं दी। ठकराल साहब, हंसी के अंदर जो फैला हुआ भ्रष्टाचार है उसको लेकर क्या आपने ऊपर भी कहा है बड़े नेताओं को? ऐसे लगातार मेरी बात अब चल रही है, पहले मैं अपने स्तर पर इसको करवाने में सोच रहा था, अपने वैसे ही हो जाए और पार्टी की भी बदनामी ना हो, उसको वैसे सुधार लूँ। सच्चाई यही है कि अगर ये अच्छे काम करेगा तो मैं इसकी बढ़ाई करूंगा, गलत काम करेगा तो मैं इसमें लड़ाई लड़ने में मैं तैयार हूँ। आप इस बात को कहां तक मानते हैं कि हंसी के अंदर BJP सरकार होने के बावजूद ही भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है? मैंने बताया ना, शासन का हर अंग अपंग इस कार्यकाल में इस भाई ने कर दिया है, और मैं देख के हैरान हूँ, वो क्या रहा है, जिस एग्रीकल्चर लैंड का कैसे NOC मिल जाएगी, जिसके लिए DTP ने पहले लिख दिया था, रजिस्ट्री बंद के लिए लिख दिया, वो वहाँ रजिस्ट्री हो रही है। सर, आपके नेता जो है आपके ऊपर बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कल शासन की जो बात चल रही थी आपने देखा भी होगा, जो बयानबाजी हुई है उसके बाद फेसबुक पे व्हाट्सएप पे आकर देख लो प्रतिक्रिया क्या आ रही है, वो लिख रहे हैं नकली कौन है, असली कौन है, क्या क्या लिख रहे हैं, मैं वो भी नहीं बोलना चाहता, मेरे वो भी साथी हैं, लेकिन मैं इतना ही बता रहा हूँ कि वो आपके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं भाई, यही साथी थे जब जाट धर्मशाला में मीटिंग हुई थी, कैप्टन अभिमन्यु ने कहा था
कि इसको हम आपको नहीं करने देंगे, यही विनोद बैना था। अब तो मेरे पास कटिंग उसकी भी पड़ी है, विनोद बैना ने बोला था मेम के बाग में अगर मेरे भाई का भी हाथ है तो भी उसको कटने नहीं दूंगा, इस बाग को उजड़ने नहीं दूंगा। इसी विनोद बैना ने कहा था किसी से, मैं मेरे पास वो कागज पड़े, अगर आपको चाहिए तो मैं अखबार की कटिंग आपको दे दूंगा। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि इसकी पत्नी का भी नाम आता है, इसके साले का भी नाम आता है, सास का भी आता है, भाई का आता है, भाई की पत्नी का आता है, यार हर सारी इसमें इन्वॉल्व कर लिए, हर कॉलोनी कोई कॉलोनी हाथ से गुरुपुर से वर्कर है जो यहाँ पहुँचे थे, कहाँ कहाँ से वर्कर पहुँचे थे और किस बात की शुरुआत आज की गई यहाँ से? 3 दिन पहले अचानक जब मुझे आपके YouTube चैनल और अखबार के माध्यम से पता लगा कि राजेश ठकराल का कुछ लोगों ने ली ग्रैंड होटल, क्या नाम है उसका, उस होटल में कुछ लोग इकट्ठे हुए और राजेश ठकराल के निष्कासन का प्रस्ताव रखा, तो एक बार तो मुझे माजरा समझ नहीं आया, क्योंकि निष्कासन और मेम के बाग में फैले भ्रष्टाचार दोनों विषय बिल्कुल अलग अलग थे। तो मैंने राजेश ठकराल जी से इस बारे में बात की, मैंने कहा मैं तो जीवन में, क्योंकि राजेश ठकराल जी ने ही मुझे फर्स्ट टाइम मुझे प्राथमिक सदस्य बनाया था भारतीय जनता पार्टी का, आज से 22 वर्ष पहले, तो मैंने तो इनसे बड़ा समर्पित कार्यकर्ता पूरे हरियाणा में नहीं देखा, जिस तरह से ये पार्टी के लिए काम करते हैं। जब मैंने इनसे विषय डिस्कस किया तो इन्होंने मुझे बताया कि ये सच है कि हांसी की गरीब जनता को बचाने के लिए मेम के बाग में वो फंसे ना, उनके साथ धोखा ना, और इसके प्रभाव में आकर के कुछ अधिकारी भी गलत काम कर रहे हैं। मैं ये आवाज़ तो उठा रहा हूँ, और तो मैंने पार्टी के लिए कोई काम नहीं किया ऐसा भी जो पार्टी की कमज़ोर करने का काम किया। मैं बीजेपी का अनुयायी हूँ, मैं माननीय मनोहर लाल जी का अनुयायी हूँ, हम नरेंद्र मोदी की नीतियों में विश्वास रखते हैं। तो ये सब बातों के बाद मैंने कहा कि इसको तुरंत प्रभाव से बैठक बुलाई जानी चाहिए, मैंने बैठक का प्रस्ताव रखा, माननीय अतर सिंह सैनी जी से बात हुई, फिर मामन राम सैनी जी से सभी पदाधिकारियों से बात हुई, तो उन्होंने भी इस बात का बिल्कुल समर्थन किया और ये बैठक बुला करके सारा विषय आपके समक्ष रखा है। अच्छा ये बताइए, जो मेम के बाग के बेतने के विधायक जिसकी फैमिली पर आरोप लगाए गए हैं, ये कहाँ तक सच है? ये सच शत प्रतिशत। देखो जो मुझे यहाँ आने के बाद पता लगा, जो लोग अभी राजेश ठकराल के निष्कासन का प्रस्ताव पास कर रहे थे, वो लोग आज से 5 वर्ष पहले हमारे साथ विनोद भ्याना के पुतले फूंक रहे थे। मैं खुद, मेरे पास रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है, वो सारी चीज़ें फाइल है मेरे पास, और मेम के बाग के विरोध में कि मेम का बाग बेच के खा गया, इसमें मुख्यमंत्री लेवल के लोग भी इसमें शामिल हैं, हिस्सेदार हैं। उनके नाम बताना चाहोगे सर? नहीं, मैं नाम क्यों लूँ, सभी पता है, छोटा सा शहर है, लेकिन उन लोगों ने बहुत गलत किया है, ये ज़रूर कहूँगा कि उन लोगों ने अच्छा काम नहीं किया पार्टी के विषय को। अगर तुम्हारी मेम के बाग का भी विषय था तो तुम सीनियर लोगों के बीच में बैठ करके डिस्कस कर लेते, हमारे और बड़े अधिकारियों के बीच में बैठ के डिस्कस कर लेते, जो सही होता वो सही कहलाया जाता, जो गलत होता वो गलत हो जाता। तो आपका जी आगे क्या कदम इस बारे में? हमारा कदम ये है कि देखिए, भ्रष्टाचार के इस मुद्दे पे ब्रजेश ठकराल तो अकेला है नहीं, बिल्कुल इसके साथ हैं, हांसी की जनता इसके साथ है, क्योंकि जनता की लड़ाई लड़ रहा, और सभी बीजेपी के पदाधिकारी इनके साथ हैं, और जो निष्कासन का विषय है, उस निष्कासन के विषय पे हम बड़ा स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि पार्टी किसी की बपोती नहीं है, और कोई इस गलत फहमी में ना रहे। और सुनी होगी आपने कहावत, दादा की बई और पोता लेखणियाँ, ऐसे कोई भी अगर किसी की आवाज़ को दबाने और दफन करने का काम ना करे, अब हम सब लोग एकजुट होकर के इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को भी लड़ेंगे, राजेश को कहीं अकेला नहीं रहने देंगे, और हांसी की गरीब जनता को बचाने का काम करेंगे। यहाँ जी भारतीय जनता पार्टी के हांसी हलके के सभी पदाधिकारी और वर्कर आए थे, और हम आए इसलिए थे कि डॉक्टर लवकेश टुटेजा ने मैसेज दिया था कि भाई परसों कोई मीटिंग हुई थी हमारे पार्टी की पदाधिकारियों के साथियों की, उसमें राजेश ठकराल को निष्कासित, पार्टी से निष्कासित करने का प्रस्ताव पास किया गया है, उसके बारे में गंभीर विचार विमर्श करना है, इसलिए हमारे को टुटेजा साहब ने बुलाया था। तो हम इकट्ठे हुए तो हमने पूछा भाई क्या बात है, तो टुटेजा साहब ने ये बात बताई कि भाई इनको निष्कासित करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। मां भाई कसूर क्या है? तो कसूर तो पहले तो इसी से पूछो, राजेश ठकराल से। तो इसने बताया कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, और मेम के बाग के अंदर जो प्लाट काटे जा रहे हैं, अवैध कॉलोनी काटी जा रही है, उसके खिलाफ मेरी आवाज़ है, उसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। और क्यों लड़ रहा हूँ? क्योंकि मेरा कोई खुद का प्लाट नहीं है, ये मैंने भी तसल्ली की, इसका खुद का कोई प्लाट नहीं, इसके रिश्तेदार का प्लाट नहीं, तो ये जनता के लिए लड़ रहा था, क्योंकि हिसार में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वालों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरा दी, जो अनऑथोराइज कॉलोनी कटी थी,
उसमें कॉलोनी काटने वाला तो पैसा ले गया और मकान बनाने वाले ने मकान बना लिया, दो दो तीन तीन साल हो गए और वो आज ढाए गए। तो उसमें उन लोगों की मैंने वीडियो देखी, वो रो रहे थे कि हमारे जीवन का सारा पैसा इकट्ठा किया हुआ या आज बर्बाद होगा। तो ये कहने लगा मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि किसी गरीब आदमी का यहाँ फंस के पैसा और वो सारा जीवन का ख़त्म ना हो जाए। बहुजी जो कार्रवाई हिसार के अंदर हुई है गिरने की, बिल्डिंग गिरने की, क्या वो कार्रवाई यहाँ से भी होगी? ऐसा है, होनी चाहिए और हो भी गई, क्योंकि ठकराल साहब ने ही बताया था मेरे को कि DTPC जो हैं वो यहाँ आए थे, 13 और 14 तारीख रखी गई थी और पुलिस उनको प्रोवाइड नहीं की गई, इसलिए यहाँ पे कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई ज़रूर होगी क्योंकि वो दोबारा दोबारा तारीख दे रहे हैं। और ये जो अवैध कॉलोनी है इनमें कोई प्लाट ना खरीदे, इनको इनमें जो अवैध निर्माण हो रहा है उसको गिराने के लिए होगी, ये कार्रवाई निश्चित तौर पे होगी। क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ईमानदार आदमी हैं, अच्छी छवि के हैं और वो किसी का पक्षपात नहीं करते, वो कानून के मुताबिक काम करते हैं। और यही बात राजेश ठकराल कह रहा है कि भाई मैं कानून के मुताबिक काम कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल तो होनी चाहिए। तो बाबू जी मान लो भाजपा की सरकार हिसार के अंदर भी है, हाँ? भाजपा के विधायक हैं, हाँ? उसके बावजूद वहाँ तो काम हो रहे हैं, हाँ? इस बात को लेके, हाँ? नगर प्लानिंग वालों करिए, हाँ? किए हैं, लेकिन हंसी इसमें कोई जिंगा नहीं लिया गया, जिनके खिलाफ FIR दर्ज होने वाले, FIR दर्ज नहीं कर रहे, हाँ? और कोई कार्रवाई नहीं हो रही खिलाफ, ऐसा क्यों जी? ऐसा इसलिए है कि हमारे जो विधायक है उनका पर्सनल इंटरेस्ट है इन कॉलोनियों में। हिसार का जो विधायक है उसका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, वहाँ तो किसी ने भी कॉलोनी काट दी, किसी ने भी पैसे कमा लिए। यहाँ हमारा जो विधायक है हर कॉलोनी में लगभग सा उसका हिस्सा मिलता है, तो इसलिए उसके प्रभाव के कारण यहाँ कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन वो कुछ समय तक ही उसको रोक सकता है, कानून अपना काम करेगा। विभाग से जो कार्रवाई के आदेश आए थे अभी तक क्यों कार्रवाई हो नहीं पाई? फिलहाल इतने मंदों के लिए जो लिस्ट दी गई थी कि FIR होनी चाहिए, अभी तक FIR क्यों नहीं लॉन्च हो पाई? वो मैं बता तो रहा हूँ ना कि विधायक के जो साथी हैं उसका जो कांग्रेस के टाइम का भू माफिया गिरोह है उसके सदस्य हैं वो सारे, ये भारतीय जनता में पार्टी में आके विधायक बन गए तो पावर में फिर आ गए, तो ये उसको बचा रहे हैं अभी, इनके प्रभाव के कारण नहीं हो रही। लेकिन हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है, हमारी जो सरकार का मुखिया है वो ईमानदार है, पहले वाली सरकार के नहीं थे तो नहीं होती थी, अब कार्रवाई जरूर होगी, रोकी जा सकती है, सच्चाई को थोड़ी बहुत देर के लिए दबाया जा सकता है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। आज की मीटिंग का विषय ये था, भारतीय जनता पार्टी एक ईमानदार पार्टी, भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी शुरू से लड़ती आ रही है। हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ इकट्ठे हो रहे थे सारे, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, हाशिए में भ्रष्टाचार की ज़्यादा होने लग रहा था, इसलिए इकट्ठे हुए हैं और इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहेंगे, उठाएंगे। बहुत जी पूरा शहर तो चिल्ला रहा है कि हाशिए भ्रष्टाचार बहुत हो गया, सारा शहर चिल्ला रहे जी, उसके खिलाफ ये लो ठकराल साहब ने आवाज़ उठाई है, तो आगे का मतलब क्या आपकी रणनीति रहेगी इस बारे में? आगे आवाज़ उठाते रहेंगे, सरकार का काम है, हमारा काम है भी हम आवाज़।